योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या होगा फायदा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताइए किस गाँव किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों या फिर नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाकर शहरी दर्जा देने जा रही है। इसके साथ ही 20,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। नगर विकास विभाग को 31 दिसंबर तक इसके लिए मोहलत मिल गई है। जनगणना का काम इसके बाद शुरू होने की संभावना है। इसके बाद नई निकायों का गठन और सीमा विस्तार का काम रोक दिया जाएगा। राज्य सरकार बड़े गाँवों को और आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं देना चाहती है। इसके लिए इन्हें नगर पंचायत या फिर नगर पालिका परिषद बनाने का काम किया जाना है। नगर विकास विभाग ने सीमा विस्तार व नई निकायों का गठन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन जनगणना का तैयारियों के चलते इसे रोक लगा दिया गया है। जनगणना का काम 31 दिसंबर तक नहीं होना है, इसलिए नगर विकास विभाग चाहता है कि नगर पंचायतें व नगर पालिका परिषद बनाने का काम किया जाए। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की चुनाव को लेकर इसमें दुविधा हो सकती है, लेकिन नगर विकास विभाग की एक अधिकारी का कहना है कि चुनाव तक इनके चिन्हीकरण का काम कर लिया जाएगा, इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगने का काम किया जाएगा। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव के बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द ही राय ली जाएगी। इसके चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। साथ ही आपको एक और बड़ी जानकारी बता दें, निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 17 नवंबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये प्रक्रिया अगले वर्ष 15 जनवरी तक चलेगी। इस अवधि में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य से जुड़ी सभी अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। आयोग ने निर्देश के अनुसार 17 नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसी दिन इसे अगले 15 दिसंबर तक उस पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर तथा 13 दिसंबर को मतदाता पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगले वर्ष 5 जनवरी तक इस संबंध में आने वाले दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तत्पश्चात 14 जनवरी तक पूरक सूचियां तैयार की जाएंगी। 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण से संबंध अधिकारियों का मसलन जिला निर्वाचन अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को बिना आयोग की अनुमति के पुनरीक्षण का अवधि से 17 नवंबर से पहले 15 जनवरी तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।